हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपका आईबीपीएस आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है 3 अगस्त में और 4 अगस्त में, ठीक है। अब आपको इंतजार है कि इसका जो रिजल्ट है हमें कब तक देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका जो मेन्स का एग्जाम है वो शेड्यूल्ड है सेप्टेम्बर के मंथ में। तो कब तक इसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में आपको अपडेट देने वाला हूँ। एग्जैक्ट अपडेट दूंगा और उसी ड्यूरेशन में आपको जो आपका रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रीवियस ईयर के आधार पर दूंगा, ठीक है। कोई भी ऐसे ही हवा में बातें नहीं होंगी, ठीक है। तो किस दिन आएगा रिजल्ट, चलिए आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। चलिए स्टार्ट कर लेते वीडियो। चैनल पर पहली बार आया ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उससे पहले बता दूं, मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो आपके लिए पूरा एनालिसिस करने के बाद यहाँ पर कैटेगरी वाइज कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट लो थी, वो चैनल पर डाल दिया है। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, जाके देख लेना, या इस वीडियो के कंप्लीट होते ही आपको लास्ट में स्क्रीन पर दिख जाएगा, तो वहां से आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए कि आपका जो रिजल्ट है कब तक आपको देखने को मिलेगा। एक सेकंड रुकेगा। चलिए देखिए, आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्री रिजल्ट 2023 के सिनेरियो की बात करें कि किस किस डेट में आपका एग्जाम हुआ, किस कब रिजल्ट आया, कब स्कोर कार्ड। तो देखिए 2023 में जो आपका प्रीलिम्स हुआ था वो 5 अगस्त और 6 अगस्त को हुआ था, तो ऑलमोस्ट एक एक दिन पहले ही अभी कब हुआ है, 3 अगस्त और 4 अगस्त, यानी कि 1 और 2 दिन का गैप है, ठीक है। बात कर ले इसके रिजल्ट की, रिजल्ट कब देखने को मिला था, तो 23rd of August 2023 को आपका इसका प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो देखने को मिल गया था। यानी कि हम अगर यहाँ पर डे निकालें 6 अगस्त के बाद से 17, तो यहाँ पर 23 अगस्त और 6 अगस्त के बीच जो दिन पड़ेंगे आपके वो होंगे 17 दिन, यानी 17 डेज के अंदर जो है आपका यहाँ पर आपको जो रिजल्ट है वो देखने को मिल गया था। और जैसा कि मालूम है, जब आपका रिजल्ट आता है तो उसके विद इन अ वीक आपको आपका स्कोर कार्ड, यानी विद इन अ 7 डेज आपको आपका स्कोर कार्ड देखने को मिल जाता। तो हमें ज्यादातर देखा गया कि 5 या 6वें दिन वो आपको स्कोर कार्ड दे दो, तो 23 अगस्त के बाद 5वें दिन उन्होंने आपका जो स्कोर कार्ड है उसे रिलीज कर दिया गया। पहले रिजल्ट आता है जिसमें बताया जाता है आप पास है या फेल है, फिर स्कोर कार्ड दिखाया जाता है उसमें बताया जाता है कि आपके मार्क्स कितने आए हुए हैं और क्या सेक्शन कट ऑफ रही है, आपके कितने कितने मार्क्स दोनों में बने हुए हैं, ठीक है। तो ये सिनेरियो था, 5 और 6 अगस्त को एग्जाम था, 23 अगस्त को आपका रिजल्ट आता है और 28 अगस्त को आपका स्कोर कार्ड आता है। यही अगर हम यही थ्योरी अगर इसमें लगाए, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम चलता है, हम मैंने और भी ईयर का यहाँ पर कंपैरिजन किया, बट अगर मैं ज़्यादा लूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्री हुआ है आपका 2024 की बात कर लें तो 3 और 4 अगस्त को। रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, आपका जो रिजल्ट है वो आपको 22 से लेकर 25 अगस्त के बीच कभी भी आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे 23 है तो इससे तो पहले आएगा, फिर भी हम 1-2 दिन ऊपर लेके चलते हैं, तो 22 से 25 अगस्त 2024 में आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल आपका रिजल्ट इस डेट में, इस ड्यूरेशन में आपको देखने को मिलेगा, और उसका जो स्कोर कार्ड है ठीक जो भी आपकी डेट रहेगी उसके 5 दिन बाद आपको देखने को मिलेगा। यानी कि हम मान सकते हैं कि 27 से 2 सितंबर के बीच आपको आपका जो स्कोर कार्ड है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है सितंबर में आपका क्या लगा हुआ है, मीन्स लगा हुआ है। तो जिस किसी भी भाई के मैंने कट ऑफ बता रखा है, अगर उस कट ऑफ रेंज में अगर आप आ रहे हैं तो बिल्कुल मेंस की तैयारी में लग जाइए। रिजल्ट का वेट मत करिएगा, रिजल्ट का वेट करेंगे तो यहाँ पर जो आपका मेंस है उसका ड्यूरेशन में टाइम कम हो जाता है। तो ये कुछ आपके लिए अपडेट थी कि रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा, आपके कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने आपको पूरा बता दिया। कट ऑफ वाला वीडियो देख लेना, इस वीडियो के अंत होते ही आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ओके। चलिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।